नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। तो अभी भी आई है बेहद बड़ी खबर, बुरी खबर। तो यहाँ पर जानलेवा हमला हुआ है, तो यहाँ पर सरपंच के पद पर हुआ है गोलियों से हमला। तो जी हाँ, धड़ाधड़ गोलियों की हुई है बरसात। तो यहाँ पर झज्जर जिले के बोपनिया गांव में एक सरपंच के पद पर गोलियाँ बरसा कर जानलेवा हमला किया है। गनीमत रही कि गोली प्रमोद की गर्दन को सिर्फ छू कर निकल पाई। वहीं आरोपी है हमला पूर्व सरपंच ने करवाया है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो जानकारी के अनुसार नया गांव की नव निर्वाचित सरपंच के पति प्रमोद अपने दोस्त के शादी समारोह में शामिल होने के लिए बोपनिया गांव में पहुंचे थे। वहां जाते समय उनके ऊपर गोलियां बरसा दी। गनीमत रही कि गोली प्रमोद को छूकर निकल गई। हालांकि इससे पहले प्रमोद के सिर पर घाव भी हुआ है। बताया जा रहा है कि मामला पुरानी कहा सुनी का है। कोयला कला गांव के पूर्व सरपंच जेपी के साथ प्रमोद का कोई पुराना विवाद है। इसी विवाद में प्रमोद को जान से मारने के लिए उसके ऊपर हमला करवा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पुलिस यहाँ पर मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है।